नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स. होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. हमें लिखने हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स. फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड 4. ये हमारे पास है फर्स्ट 5 होल नंबर्स. नाउ हमें इसका मीन फाइंड करना है. अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितने होल नंबर्स हैं? 5. ऐड करेंगे 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10. सो 10 अपॉन 5 2. तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स इज 2. क्लियर? होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से. हमें पहले 5 होल नंबर्स लिखने हैं. सो 0, 1, 2, 3 एंड 4. मीन फाइंड करने हैं. सभी नंबर्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, दैट इज 5. तो 10 अपॉन 5 2. नोट कीजिए. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. A cricketer scores the following runs in the 8 innings. Runs diya hua hai. Runs of cricketer in 8 innings. Kya hai? 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100. फाइंड द मीन स्कोर, की एवरेज स्कोर 8 इनिंग्स में कितना हुआ. नाउ मीन स्कोर इज इक्वल्स टू अगेन वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमें गिवन ही है कि ये कितने में रन है, 8 मैचेस में, 8 इनिंग्स में. तो डिवाइड करेंगे 8 से, ऐड करेंगे इन टर्म्स को 100, 45, 46, 35, 40, 76 एंड 58. प्लस करेंगे 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22 प्लस 8 30. So 4 plus 4 8, 11, 4 15, 5 20, 27 plus 3 30 and 3 plus 1 4. So 400 divided by 8. 8 5s are 40. So 50 is the mean score. That is average jo marks hai 8 mein, 8 innings mein, that is 50. Hume runs diye hue the 8 innings mein. मीन फाइंड करना है. जो भी रन्स दिए हैं 8 इनिंग्स के उन्हें ऐड करेंगे. रफ में आप ऐड करके देख सकते हो. ऐड किया, आया 400 डिवाइडेड बाय 8. 8 फाइव्स आर 40. सो मीन स्कोर आए 50. नोट कीजिए.